पर घरानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जान पाए झूम के बरसो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आपने मेरे चैनल पे ना बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि हम लोग ना इंडियन रेस्टोरेंट्स ट्राई करते रहते हैं टोरंटो में, और यहाँ पे ना ऑप्शंस भी अच्छे खासे हैं। तो आज हम लोग ना एक और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो अभी ना नया खुला है स्कार्बरो में। इट्स अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, और उसकी स्पेशलिटी क्या है ना कि वो लोग वीकेंड पे ना बनाना लीफ लंच सर्व करते हैं, और मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं बैंगलोर में थी ना तो वहाँ पे मैंने बहुत बार आंध्रा स्टाइल खाना खाया है। और लेट्स सी आज कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस। सो आज हम लोग ना अकेले नहीं होंगे, आज हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ में होंगे। और पता है लास्ट वीक ही मैंने सोचा था कि चलो हम लोग इस रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, बट जब मैंने कॉल किया तो मुझे पता चला कि उसकी इतनी ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे कि वो एक वीक पहले ही उसकी बुकिंग हो जाती है, टेबल नहीं मिलता है फिर। तो मैंने ना उसी दिन ही फिर बुकिंग ले ली थी नेक्स्ट वीक के लिए, सो देट मैं इस वीकेंड मिस ना करूं उसको। और इस लंच में क्या है ना कि इट्स काइंड ऑफ बफे ओनली, बट बफे में क्या होता है कि आपको खुद जाके लेना होता है और यहाँ पे वो आपको टेबल पे सर्व करेंगे। इट्स अनलिमिटेड। अगर आपको लगता है कि आपको जैसे राइस और लेना है, इडली और लेना है या वड़ा और लेना है, यू कैन आस्क फॉर मोर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बनाना लीव्स। ये बनाना लीव्स उन्होंने पूरा टेबल पे रख दिया है, जैसे प्लेट्स वगैरह रखते हैं उसी की तरीके से उन्होंने पहले बनाना लीव सर्व कर दिया है। जब उन्होंने खाना सर्व करना शुरू किया तो वहीं पे ही मेरे एक्सपेक्टेशन का, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था। मैं शायद ना बैंगलोर से थोड़ा सा कंपेयर कर रही थी, जो वहां का कॉन्सेप्ट होता है पूरा ना, वो बनाना लीफ पे ही पूरा खाना रखते हैं। बट यहाँ ऑब्वियसली मे बी शायद वो कनाडा में पॉसिबल नहीं है, इसलिए शायद वो लोग पूरा कटोरी में सर्व कर रहे थे। तो इनिशियली तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इसके लिए इतना दूर नहीं आई थी कि हाँ मतलब कटोरी, इट्स काइंड ऑफ सेम ओनली की प्लेट में सर्व करना। बट या ठीक है, मतलब वो बनाना लीफ का जो फील आता है ना बैंगलोर में, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ऑब्वियसली जो बनाना लीफ का है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो इन्होंने क्या ऑफर किया था कि जो बच्चे हैं अगर उनको बनाना लीफ पे नहीं खाना है, उनके लिए एक प्रॉपर थाली अरेंज करके दे देंगे और उसका कॉस्ट थोड़ा कम होगा। तो हमारे साथ दो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए हम लोगों ने बनाना लीफ लंच नहीं लिया, प्लेट वाले लिया। आफ्टर हैविंग द फूड मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि खाना खराब नहीं था, लेकिन खाना उतना भी ग्रेट नहीं था। बस ओके एक्सपीरियंस, नॉट दैट ग्रेट। और वैसे भी सबके अपने टेस्ट होता है, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको ये बनाना कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हाँ एक बार ट्राई करना बनता है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी और ने भी ये रेस्टोरेंट ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। सो होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फील इट्स वर्थ वॉचिंग।